हाय गाइस, तो क्या तुम भी मार्केट में एक नए लैपटॉप की तलाश में है, डेस्कटॉप की या फिर ग्राफिक कार्ड की? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि GTA 5 खेलना है तुम्हें, या फिर तुम्हें प्रीमियर प्रो चलाना है, या फिर ऑटोकैड, स्टैट प्रो, या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर तुम्हें चलाने हैं एंड जानना है क्या इस लैपटॉप में, इस डेस्कटॉप में, क्या इस ग्राफिक कार्ड से मेरा काम चल पाएगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है जानना कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन सा ग्राफिक कार्ड किस चीज के लिए बनाए। तो आज हम इस वीडियो पे यही डिस्कस करने वाले कि MX सीरीज लें या फिर GTX लें या फिर RTX लें, कौन सा ग्राफिक कार्ड ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के साथ, जो कि है ग्राफिक कार्ड क्या होता है। तो गाइस, ग्राफिक कार्ड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है जिसका काम है तुम्हारे डिस्प्ले को ग्राफिक्स प्रोवाइड करना। बट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि तुम्हारे प्रोसेसर ऑलरेडी काफी पावरफुल होते हैं, तो उन्हीं से हम ये काम करवाते थे कि यार डिस्प्ले पे क्या प्रिंट होना है ये भी प्रोसेसर ही बताए। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, वैसे वैसे और ज्यादा हैवी काम ग्राफिक्स के आने लग गए, जैसे आजकल होता है गेमिंग, इजंट इट। तो क्या हुआ कि गेमिंग इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि प्रोसेसर के लिए एक तो कैलकुलेशन करना, ऊपर से ग्राफिक्स दिखाना बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने लग गया, और हर किसी को इतने हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्होंने क्या करा कि तुम्हारा प्रोसेसर और तुम्हारा GPU दोनों को अलग अलग कर दिया। इसका मतलब ये है, अगर किसी को नॉर्मल डे यूज़ में काम करना है या फिर नॉर्मल प्रोसेसर इंटेंसिव काम करना है, तो उसको हाई ग्राफिक कार्ड की नीड नहीं है, ठीक है। और अगर किसी को हाई ग्राफिक कार्ड की नीड है, तो यार ग्राफिक कार्ड अलग से ले लो, इट विल बी द सेम थिंग, राइट। तो शुरू करते हैं तुम्हारी MX सीरीज से। ये लॉन्च हुई थी 2017 में एंड अभी भी ये चलती है, एंड यूजुअली इसके तुम वर्जन देखोगे जैसे MX 350, 330, MX 450, तो इस तरीके से इसकी कुछ नेमिंग कन्वेंशन चल रही है। अब बात की जाए VRAM की, तो इसमें यूजुअली तुम्हें 1 GB से 2 GB तक की VRAM मिलेगी। अब ये VRAM किस इंसान के लिए जरूरी है? तो गाइस, अगर तुम प्रीमियर प्रो यूज करना चाह रहे हो, तो वहां पर भी लिखा है दैट यू नीड एटलीस्ट 2 GB ऑफ VRAM एंड प्रेफरेबली 4 GB की VRAM चाहिए। यानी कि तुम्हें MX सीरीज अगर लोगे तो ही तुम्हारा प्रीमियर प्रो बहुत ऑप्टिमली काम करेगा जैसा एडोबी ने सोचा है, और 4 GB लोगे तो मक्खन चलेगा। बट अगर तुम बिना उसके भी चलाते हो तो भी प्रीमियर प्रो चल जाएगा, बट वो वैसा नहीं है जैसे उसके डेवलपर ने सोचा है। तो इसीलिए अगर तुम वीडियो एडिटिंग सोच रहे हो, तो एटलीस्ट 2 GB की VRAM कंसिडर जरूर करना, बट नहीं करोगे तो भी प्रीमियर प्रो चलेगा, ठीक है। अब उसके अलावा तुम में से ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको गेमिंग खेलनी है, बट भाई यार यूजुअली ना वो GTA और वैलोरेंट से ऊपर नहीं जाने वाले हो, तो गाइस इन दैट केस अगेन MX सीरीज तुम्हारे लिए काफी है, उससे ज्यादा की तुम्हें नीड नहीं है, ठीक है। तुम्हारा सारे के सारे गेमिंग आराम से करवा देगी। और अगर तुम मुझसे पूछते हो कि भाई यार एक रेकमेंड भी कर दो, तो गाइस इसके लिए है Lenovo IdeaPad Slim 5, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, यानी कि तुम्हारी GTX सीरीज के बारे में। तो गाइस, ये तुम्हारी 2008 में लॉन्च हुई थी एंड इसका नाम है गीगा टेक्सल शेडर एक्सट्रीम, इन शॉर्ट GTX। अब ये किस इंसान के लॉन्च हुई है? जब लॉन्च हुई थी तो इतनी पावरफुल नहीं थी, बट अब काफी पावरफुल हो गई है। तो लोएस्ट GTX प्रोसेसर तुम्हें मार्केट में जो मिलेगा, वो तुम्हें ऑलमोस्ट 4 GB से मिलना शुरू होगा, और ये तुम्हारे लैपटॉप एंड डेस्कटॉप दोनों के लिए आती है, वाइल MX सीरीज तुम्हारी केवल लैपटॉप के लिए आती थी। और अगर बात करें पावर की, तो गाइज ये तुम्हारे वेरियंट टू वेरियंट वेरी करता है, बट मोस्टली 4 GB से शुरू होता है और काफी आगे तक जाता है। और अगर तुम सेम वेरिएंट लोगे जैसे कि 1650 लैपटॉप के लिए और 1650 डेस्कटॉप के लिए, तो डेस्कटॉप वाला अनडिस्प्यूटेड काफी बेटर परफॉर्म करेगा, तो इसमें डाउट मत रखना, ठीक है। बट वो उसके बदले पावर भी ज्यादा लेगा, और लैपटॉप अलग तरीके के यूजर के लिए बना होता है। तो ये किस इंसान के लिए बना है? तो गाइज, अगर तुम में से कोई एक ऐसा इंसान है जो कि यार गेमिंग खेलनी है, बट भाई बिल्कुल सारे ही गेम खेलने हैं, मुझे साइबरपंक भी खेलना है, मुझे कंट्रोल भी खेलना है, मुझे असासिन्स क्रीड भी खेलना है, ठीक है, और ऑलमोस्ट मीडियम सेटिंग्स पे खेलना है, ऐसा नहीं लो सेटिंग्स पे खेलना है, तो गाइज इन दैट केस दिस लैपटॉप इज फॉर यू। अगर तुम्हें प्रीमियर प्रो, जो कि उसकी रेकमेंडेड सेटिंग्स है, लोएस्ट नहीं, तो गाइज इसमें तुम्हें ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। इन शॉर्ट, हर चीज में तुम्हें बेटर ही मिलेगा, सब कुछ इसमें तुम्हें ज्यादा अच्छे थर्मल्स मिलेंगे। बट हर लैपटॉप की तरह इन लैपटॉप्स में भी कुछ इशू होगा, डेस्कटॉप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि लैपटॉप में क्योंकि तुम इतना हैवी GPU डाल रहे हो, तो एक एक्स्ट्रा फैन देना पड़ेगा, जिस वजह से लैपटॉप हैवी भी होगा, ठीक है, और उसके लिए तुम्हें थर्मल सॉल्यूशन भी अच्छे से करना पड़ेगा, अगेन लैपटॉप हैवी होगा, प्लस क्योंकि इतना पावरफुल GPU है, तो तुम्हारी बैटरी लाइफ पर भी फर्क पड़ेगा इसका। तो यहां पर सोच समझ के चीजें लेना, ठीक है। बट हाँ, अगर तुम परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हो, तो GTX सीरीज इज द बेस्ट राइट नाउ इन मार्केट। और फिर इससे पहले तुम मुझसे पूछो कि भाई GTX के लिए भी कोई लैपटॉप बता दो, तो गाइज यहाँ पे काफी सारे लैपटॉप आते हैं। अगर सस्ते की बात करो, तो यहाँ पे तुम्हें Aspire 7 मिल जाएगा, और अगर तुम 70,000 के आसपास आ रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हें अगेन Victus भी मिल जाएगा 1650 वाला, तो दोनों तुम ट्राई कर सकते हो। तो गाइज अब बात करें हमारी तीसरी सीरीज की, तो ये है हमारी RTX सीरीज, यानी कि रे ट्रेसिंग टेक्सल एक्सट्रीम।
इतने खतरनाक नाम क्यों रखते हैं यार, सिंपल ही रखना था कुछ ही। और ये भी अगेन तुम्हारी 4 GB से लेके ऊपर 12 GB तक जाती है, एंड इसमें भी सेम लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों के वर्जन आते हैं। इट इज नथिंग बट मोर लाइक एन अपग्रेडेड GTX वर्जन, बट मार्केट में GTX सीरीज भी मिल जाएगी अगर तुम लेना चाहो तो, और RTX सीरीज भी मिल जाएगी अगर तुम लेना चाहो तो। और प्राइस की बात करें, क्योंकि अपग्रेड वर्जन है तो 10-15 हज़ार रुपये महंगा ही मिलेगी ये सीरीज तो। तो अब तुम पूछोगे भाई अगर GTX ही सही था तो फिर GTX में ही नया वेरिएंट ले आते, इन्होंने नई सीरीज क्यों बनाई? गाइज आंसर बहुत ही सिंपल है, RTX सीरीज तुम्हारी फेमस है रे ट्रेसिंग के लिए। अब जिन लोगों को नहीं पता रे ट्रेसिंग क्या होती है उनको समझाता हूँ। रे ट्रेसिंग इज नथिंग बट हम लोग गेम्स में मिमिक कर रहे हैं लाइट कैसे जाएगी, ठीक है, दैट इज व्हाट रे ट्रेसिंग इज ऑल अबाउट। तो अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूँ GTX और RTX को, तो गाइस RTX में तुम्हारे रे ट्रेसिंग कोर मिलेंगे जो GTX में नहीं है, टेंसर कोर भी मिलेंगे जो कि अगेन GTX में नहीं है, और NVIDIA DLSS का सपोर्ट मिलेगा जो कि अगेन। और अगर प्राइस की बात करें तो सबसे सस्ता GTX लैपटॉप तुम्हें अराउंड 50,000 का पड़ जाएगा, वाइल सबसे सस्ता RTX लैपटॉप 74,000 के आसपास का पड़ेगा। पर फिर तुम पूछोगे यार क्यों लेना है फिर RTX सीरीज? तो गाइज अगर तुम्हारा काम 3D रेंडरिंग का है या फिर तुम ग्राफिक इंटेंसिव एनिमेशन यूज करते हो और तुम्हें गेमिंग में रे ट्रेसिंग चाहिए या फिर DLSS का सपोर्ट चाहिए, तो गाइज इन दैट केस रे ट्रेसिंग वाले GPU ही तुम्हें लेने पड़ेंगे। और अगर तुम 6 GB की VRAM चाहते हो, 8 GB की VRAM चाहते हो, तो इन दैट केस अगेन तुम्हें RTX पे जाना पड़ेगा, कि GTX फिलहाल 1650 ही मार्केट में चल रहा है, 1660 Ti अंधा ओवर प्राइस है, तो उसको तो लेना ही मत। अब मार्केट में तुम्हारे 3050, 3060, 3070 तो यही सब मिल रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो अब तुम खुद ही समझ सकते हो तुम्हें कौन सा GPU चाहिए। बाकी देखो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, बैंडविड्थ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, कोर्स होते हैं, तुम्हारा सपोर्ट होते हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो आई होप तुम्हें समझ में आया हो तीनों में क्या डिफरेंस है, और अब तुम्हें क्लियर हो गया हो तुम्हें कौन सा ग्राफिक कार्ड चाहिए, MX, GTX या RTX। तो एंड करते हैं इसके साथ हमारी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो में मजा आया, मजा आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।